हाय एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको यूट्यूब का 3 न्यू अपडेट के बारे में बताने वाले। अपडेट तो ऐसे बहुत आते रहता है, लेकिन मुझे 3 अपडेट जो न्यू आए हैं वो मुझे अच्छा लगा, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यूट्यूब पे आपको पता है कि पहले लॉन्ग वीडियो बनता था, इधर कुछ एक साल से अप्रोक्स 1.5 साल से लग रहा है कि शॉर्ट्स का भी वीडियो आने लगा है। इधर से इतना कंफर्म नहीं हो रहे हैं क्योंकि मुझे भी याद नहीं, मतलब इधर जो है शॉर्ट्स वीडियो भी आने लगा है। तो कहने का मतलब यह है कि यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो दोनों मिक्स हो जा रहा है। अब क्या किया है YouTube ने, अपडेट में लाया है कि दोनों का कैटेगरीज बांट दिया है। जैसे अगर आप चैनल खोलेंगे ना तो शॉर्ट्स वीडियो का कैटेगरीज आपको देखने को अलग मिलेगा और लॉन्ग वीडियो का कैटेगरीज देखने को अलग मिलेगा। इससे क्या है कि आप किसी भी चैनल का, या आप अपने चैनल की बात करें या किसी भी चैनल का, आपको वीडियोज देखने में आसानी होगी। तो ये पहला अपडेट है। अब कैटेगरीज की बात करें तो क्या है, देखिए आप देख सकते हैं कि बड़ा वीडियो होता था तो बड़ा वीडियो ऐसे 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 करके हुआ, अब शॉर्ट वीडियो नीचे लाइनिंग में है। तो ये चीज आपको मोबाइल पे भी देखने को मिलेगा, अगर आप कहीं डेस्कटॉप पे भी खोलेंगे तो इस तरीका से देखने को है। तो ये यूट्यूब का कैटेगरीज बाइट जो बांट दिया है शॉर्ट वीडियो को और लॉन्ग वीडियो को, तो ये पहला अपडेट है जो कि अच्छा लगा। दूसरी अपडेट की बात करें कि देखिए जब भी आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद थंबनेल तो लगाना ही होता है। थंबनेल लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि YTube स्टूडियो यूट्यूब का जो मेन ऐप है उससे वीडियो को अपलोड कर देते हैं। उसका थंबनेल लगाने के लिए हम लोग YTube स्टूडियो ऐप में जाते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब का जो न्यू अपडेट निकल के आया है वो अपडेट ये है कि अब आपको YTube स्टूडियो ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। अब यूट्यूब का जो मेन ऐप है जहाँ से आप वीडियो अपलोड करते हैं वहीं से आप थंबनेल भी अपलोड कर देंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। ये अपडेट की बात करें तो ये अपडेट iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आईफोन जिसको कहते हैं एप्पल का फोन, उसमें आ गया है ये अपडेट, जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये फीचर आ चुका है। एंड्रॉयड के लिए आने वाला है बहुत ही जल्द ये फीचर। iOS फिर से बोल रहे हैं, iOS मतलब आईफोन या iOS से जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें ये फीचर आ गया है YouTube के मेन ऐप से थंबनेल लगाने वाला, Android में भी कुछ समय बाद आ जाएगा। तो ये YouTube का दूसरा अपडेट है। अब तीसरी अपडेट की बात करें कि हम लोग जब भी कोई सबसे पहले हम लोग Gmail अकाउंट बनाते हैं तो आप देखते हैं उसमें नाम भरने के लिए कहता है ना, नाम फिलअप करने के लिए नाम फिलअप करते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी फिलअप करते हैं, उसमें जेंडर भी फिलअप करते हैं। तो जेंडर में मेल फीमेल, जनरली अदर भी फिलअप करते हैं। अब क्या हो गया कि आप YouTube, अगर आप एक यूट्यूबर है, YTube स्टूडियो ऐप को ओपन कीजिएगा तो उसमें आपका जो एनालिटिक्स है उसमें देखिए कि मेल और फीमेल का परसेंटेज ऑडिशंस दिखाता है कि कितना परसेंटेज लोग आपकी वीडियो को देखते हैं। तो उसमें सिर्फ दो ही दिखाते हैं, जेंडर का, मेल और फीमेल। लेकिन न्यू अपडेट में जो है आपको अदर का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर किसी ने जीमेल में अकाउंट बनाने के दौरान मेल फीमेल नहीं भर के अगर अदर भरा होगा तो उसका भी आपको YTube स्टूडियो जो के एनालिटिक्स है उसमें अदर्स का देखने को मिलेगा। तो ये YouTube का तीसरा अपडेट है। तो यही 3 अपडेट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।